हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासी टू बुक्स। यूथ कम्पटन टाइम्स के इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कौन से एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन सी बुक है, सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारी चीज़ें आपके इंजीनियरिंग से और आपके सिलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे मिलती रहती है। काफ़ी डिमांड थी क्योंकि झारखंड में अभी वैकेंसी आई है जेई की, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी की आई हुई है। यहाँ पे केवल सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, इसके लिए आप वीडियो स्किप ना करिएगा। यहाँ पे आपको जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर होता है वो भी अभी ई बुक में अवेलेबल हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूथ पब्लिकेशन का ई बुक यूज एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, जहाँ पर आपको 1000+ ई बुक्स मिलती है, झारखंड के अलावा भी अन्य बुक्स मिल जाएंगी। ये तो केवल सिविल का है, तो सिविल का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, आईटीआई, सबकी यहाँ पे बुक्स अवेलेबल आपको मिलती है। लगभग 1000 बुक्स हैं। तो अगर आप अभी तक आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, बुक सैंपल पेज तक आप पढ़ सकते हैं, 3 से 4 पेज तक। अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है तो उसके लिए आपको 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा, वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट का रहेगा, 499। पूरे 1 साल तक आप हजारों बुक्स पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उनके भी ई बुक्स में सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट, क्विजेस, डेली क्विजेस, करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। वो सभी का भी कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं या वेब वर्जन में जो पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में बैठकर, टैब पीसी या लैपटॉप में, तो वो हमारा yctpublication.com जो हमारी वेबसाइट है वहां पर इन सभी किताबों को आप एक्सेस कर सकते हैं। ई बुक भी है, टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी है, डेली क्विज है, करंट अफेयर, सभी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। और आपके एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको 22 पेपर मिलेंगे जो अभी तक झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने करवाया है, जिसमें कंपलसरी पेपर जो आपका फर्स्ट का होता है जनरल इंजीनियरिंग का, और सेकेंड पेपर भी आपको मिल जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों पेपर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कौन कौन से पेपर रहने वाले हैं, किस प्रकार सोल्यूशन रहने वाला है, सभी चीज डिटेल से मिलने वाली है। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ और भी जानकारी इसमें मिल जाएगी। झारखंड सिलेक्शन के तरफ से ये बुक आ चुकी है, ठीक है? ठीक, ये आपके पेपर्स जो हुए हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन से पेपर हुए हैं। देखिए, झारखंड एसएससी का जनरल इंजीनियरिंग का पेपर फर्स्ट आपको मिल जाएगा जो 4 नवंबर 2022 को हुआ था, फिर पेपर सेकंड सिविल इंजीनियरिंग का होगा, फिर जनरल इंजीनियरिंग का पेपर फर्स्ट, और यहाँ जनरल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट, ये जनरल इंजीनियरिंग का पेपर फर्स्ट, और यहाँ पे तो 2022 के 5 पेपर ये आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पेपर आपको जनरल इंजीनियरिंग के यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, 5 आपको सिविल इंजीनियरिंग के मिलने वाले हैं। तो जनरल इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी कवर हो जाएगा जो आपका रहने वाला है। इसके अलावा आपके जेपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड आपको मिल जाएगा 10 अप्रैल को, और 19 जनवरी 2020 को जो पेपर सेकंड हुआ था एई का, वो मिल जाएगा। 3 पेपर आपको एई के मिलने वाले हैं। इसके अलावा झारखंड जेई के जो पेपर हुआ था जनरल इंजीनियरिंग का 2017 का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, यहाँ पे 6 पेपर हो गए। फिर 2016 में एई का पेपर हुआ था जेवीएनएल, झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड का, जो 2016 में हुआ था वो मिल जाएगा। जेपीएससी एई पेपर फोर्थ, जेपीएससी पेपर फाइव, जेपीएससी एई पेपर 6, 2011, 2013 के पेपर, जेपीएससी एई 2009, सारे पेपर मिल जाएंगे। जितने भी जेई के स्टूडेंट है ध्यान दीजिएगा, एई से डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को क्या किया जाता है, पुराने पेपर हो जाते हैं, डायरेक्ट एई वाले क्वेश्चन जेई में पूछ ले जाते हैं। प्रीवियस ईयर पढ़कर जाइएगा और बाद में आप एग्जाम देने के बाद कमेंट करिएगा, सर आपने बताया था कि एई के पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन कॉमन आपको पूछ ले जाते हैं जेई में। यहाँ पे पेपर है, पेपर कौन से कब हुए हैं और कितने क्वेश्चन उस एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए हैं, टोटल 2045 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। जनरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग मिला के जनरल इंजीनियरिंग 6 पेपर हैं, 22 बाकी 16 पेपर आपके इंजीनियरिंग के रहने वाले हैं, जेई और एई के। पेपर फर्स्ट है जनरल इंजीनियरिंग का, 80 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सिविल आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों पार्ट मिल जाएंगे, समान अध्ययन का, समान विज्ञान का, ये सिलेबस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स का और आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिल जाएगा। पेपर टू के यहाँ पे डिटेल जो होते हैं, 120 क्वेश्चन 2 घंटे का होता है, डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। बीएम हो गया, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हो गए, सर्वेइंग हो गया, सॉयल मैकेनिक्स हो गया, पूरा यहाँ पे डिटेल आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नोटिस भी कर लीजिएगा। हाइड्रोलिक्स, इरीगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल, स्ट्रक्चरल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है? ये सारे आपके जो हो गए सिलेबस आपके ये हो गए। अब यहाँ पे शुरू होता है आपका पेपर। तो यहाँ पे झारखंड का जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है,
आयलर्स फार्मूला से स्टार्ट होता है। पहला ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन आयलर्स फार्मूला रहने वाला है। कंडीशन होती है इसकी लेंथ की, कंडीशन इफेक्टिव जो निकालते हैं इफेक्टिव लेंथ के लिए क्या क्या चीजें रहने वाली, कब इफेक्टिव लेंथ 2L होगी, कल एल, कब एल होगी, कल एल बाई अंडर रूट 2 होगी, कल एल बाई 2 होगी, ये चीजें आप देख लीजिए। ऑक्युपिंग लोड किस प्रकार से आता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर ये आपका किसका क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ स्लम कोन टेस्ट, जब आप पढ़ते हैं वर्कबिलिटी का तब ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्लम टेस्ट के बाद, तो अगला क्वेश्चन ये रहने वाला है आईएएस कोड का क्वेश्चन है, जो हमारी यूथ पब्लिकेशन की आईएएस कोड की स्पेशल बुक आती है, उस बुक को आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपने वहां देखा होगा। तो झारखंड एसएससी में इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो आईएएस कोड को एक बार आप पढ़ लीजिएगा पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहने वाला है एग्रीगेट का, तो कितने परसेंट एग्रीगेट होंगे, कितने एमएम के रहने वाले, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आईएस पर आईएस 373/1977। जब हमने आईएस कोड वाली बुक का रिव्यू किया था तब आपको बताया था कि कौन कौन से बुक यहाँ पे रहने वाली है, क्या मिल जाएगा, 13 IS कोड उसमें अवेलेबल थे, वो वाली बुक जरूर पढ़ लीजिएगा आप, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा आपका लेबर एंड मटेरियल डायरेक्ट आपका सीएमडी क्वेश्चन है, कार्डुक डो नागपुर प्लान हाईवे का क्वेश्चन रहने वाला है, ऑल रोड आर क्लासिफाइड इनटू कितनी कैटेगरी में, नागपुर में 5, नागपुर NAGPUR नागपुर कितने अक्षर का बना है, 5, तो नागपुर कितने प्लान कितने का होगा, 5 प्लान का, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड विलेज रोड, तो 5 यहाँ पे होते हैं। एक ट्रिक होता है जब टीचर पढ़ाता है एक्सपीरियंस होता है उसको पता होता है नागपुर में कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 5, लखनऊ कितने अक्षरों से मिलकर है, 6, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लखनऊ नागपुर बॉम्बे प्लान में क्या अंतर रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, सोल्यूशन किस प्रकार का रहने वाला है, सोल्यूशन ये चीज देखिए, हाईवे ये आपका सर्वे का क्वेश्चन रहने वाला है वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार डिटेल क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये ई बुक अभी हमारे एप्लीकेशन और वेब वर्जन में अवेलेबल है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कॉमन पेपर जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों के लिए कॉमन है, वो वहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वेट कर रहे हैं वो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमारी जो कंसर्न टीम है उन्हें पता चल सके कि बच्चों के कितने ज़्यादा डिमांड है। आपकी डिमांड आपके कमेंट पर निर्भर करती है। नया चैनल तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करवाइए कि सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की डिमांड है, जिससे हमारी कंसर्न टीम को पता चल सके और जल्दी हम उसका भी ई बुक का रिव्यू करें। और ज़्यादा डिमांड होगी तो हार्ड बुक भी हम लॉन्च करेंगे, वो आपके कमेंट पर निर्भर करता है कितना आप कमेंट कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइज।